नमस्कार, मैं हूँ समृद्धि शिवानी, प्लस एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के एंटरटेनमेंट की खबरों पे। क्रिकेट विश्व कप जीतने की कहानी। 2018 में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार पारी खेलने के बाद रणवीर सिंह मूवी 83 की तैयारी में बिजी है। इसमें वे मशहूर क्रिकेटर कपिल देव का रोल अदा करेंगे। पहली बार रणवीर को क्रिकेटर की भूमिका में देखने का मौका मिलेगा। 1983 में भारत के पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की ऐतिहासिक कहानी पर बनी मूवी को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। खबर है कि तमिल एक्टर जीवा फिल्म में क्रिकेटर कृष्णाचारी श्रीकांत का रोल निभाएंगे। श्रीकांत अपने जमाने में वनडे के धुआंधार बल्लेबाज थे। उन्होंने भारत के लिए ओपनिंग भी की है। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को ईडी का नोटिस। जाने माने पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। उन्हें ये नोटिस फेमा के उल्लंघन मामले में मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर पर भारत में विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग का आरोप लगा है। ईडी ने सिंगर से इस मामले में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहत फतेह अली खान ने अवैध तरीके से 3,40,000 यूएस डॉलर कमाए। इस रकम में से उन्होंने 2,25,000 डॉलर की स्मगलिंग की। कहा जा रहा है कि अगर जांच एजेंसी सिंगर के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें स्मगलिंग किए गए अमाउंट पर 300% जुर्माना देना होगा। साथ ही भारत में उनके शोज पर बैन भी लग सकता है। 9 साल बाद दीनो मोड़िया की फिल्मों में वापसी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों स्टार किड्स का डेब्यू चर्चे में बना हुआ है, लेकिन इस बीच 9 साल बाद एक्टर दीनो मोड़िया का कमबैक चर्चे में है। दीनो ने अपने कमबैक के बारे में बताया है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार था, लेकिन अब अच्छी कहानी मिली है तो उसे जरूर करना चाहता हूँ। लंबे वक्त बाद दीनो की वापसी एक वेब सीरीज से होने जा रही है। कार्तिक आर्यन के साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे कृति सेनन। लुका छिपी को लेकर कह दिए बात। अपनी आगामी फिल्म लुका छिपी की रिलीज के लिए उत्साहित एक्ट्रेस कृति सेनन का कहना है कि उन्हें खुशी है कि दर्शक फिल्म के विषय से जुड़ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मां का निधन। मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मां निर्मला पाटेकर का मंगलवार को निधन हो गया। वह 99 साल की थी। इस खबर से फिल्म जगत में भी शोक है। मुंबई के अवशिवारा शमशान गृह में कल शाम को निर्मला पाटेकर का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें नाना पाटेकर और उनके परिवार समेत करीबी लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। नाना की मां का जब निधन हुआ तब वह घर पर नहीं थे। यह दुखद खबर मिलते ही वह फौरन अपने घर पहुँचे और अंतिम विधि के क्रिया कर्मों में शामिल हुए। कसौटी जिंदगी की चूक। प्यार की सबसे बड़ी कसौटी से गुजरने वाले अनुराग और प्रेरणा। शो का नया प्रोमो उड़ा देगा होश। एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल कसौटी जिंदगी की चूक में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। प्रेरणा और अनुराग प्यार की सबसे बड़ी कसौटी से गुजरने वाले हैं। इन दोनों की जिंदगी में फिर से नवीन बाबू की एंट्री हो रही है, जिनकी वजह से अनुराग प्रेरणा का प्यार एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला है। यह सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शो का ये नए प्रोमो में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इसमें 29 जनवरी से महासप्ताह शुरू हो चुका है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नवीन बाबू प्रेरणा के सामने अनुराग को जान से मारने की धमकी देते हैं। अमिताभ बच्चन को देखकर रेखा ने बदल ली अपनी जगह। दिया ये चौंकाने वाला रिएक्शन। बॉलीवुड अभिनेता रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के किस्से किसी से छुपे नहीं है। दोनों की फिल्में हफ्तों सिनेमा पर राज करती थी। ऐसे में हाल ही में एक अजीब घटना देखने को मिली। दरअसल सोमवार को रेखा डब्बू अदनानी के कैलेंडर लॉन्च पर पहुंची थी। इस दौरान वीडियो में रेखा ने अमिताभ को देखकर अचानक अपनी जगह बदल ली और उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो काफी हैरान करने वाला था। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैसे ही रेखा स्टेज पर जाती है तो उन्हें फोटो के लिए रोक लिया जाता है। इसमें उसके बाद कुछ फोटोग्राफर उन्हें इशारा करते हैं कि आप अमिताभ की तस्वीर के सामने खड़ी हैं। रेखा जैसे ही पीछे घूमती है उन्हें अमिताभ की तस्वीर दिखाई देती है और वो उस तस्वीर से अलग जाकर खड़ी हो जाती है। सिम्बा की सफलता से खुश रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस को डोनेट की बड़ी रकम। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा को लोगों ने बेहद पसंद किया। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में पहली बार रणवीर सिंह नजर आए। रणवीर का सिम्बा अवतार उनके फैंस को इतना पसंद आया कि आज भी सबके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। वही फिल्म की सफलता से खुश रोहित ने हाल ही में मुंबई में आयोजित किए हुए उमंग अवार्ड्स के दौरान मुंबई पुलिस को 51 लाख रुपए डोनेट किए। रोहित शेट्टी ने उमंग अवार्ड्स के दौरान जब स्टेज पर 51 लाख का चेक पुलिस को दे रहे थे, तब उस समय उनके साथ अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी मौजूद थे।
शो के लिए दिल्ली से आगरा जा रही मशहूर सिंगर शिवानी भाटिया की मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मशहूर सिंगर शिवानी भाटिया की मौत हो गई। इस हादसे में उनके पति निखिल भाटिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी सोमवार को आगरा कार से जा रहे थे। दोनों एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में किसी अज्ञात गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अक्षय कुमार ने कहा, पाकिस्तान से मिलता है सबसे ज्यादा प्यार। बॉलीवुड के एक्शन हीरो यानी अक्षय कुमार अपने एक पुराने वीडियो की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। इस वीडियो में वह पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से देशभक्ति पर आधारित फिल्में करने वाले अक्षय सोशल मीडिया पर निशाने पर आए हैं। यह वीडियो काफी पुराना है और इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें अक्षय कुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मेरी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती है, जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद कहीं और से नहीं मिलता। एंटरटेनमेंट की खबरों में आज बस इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए प्लस एंटरटेनमेंट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।